गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। बरेली में आदिल गद्दी की हत्या को लेकर ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन ने पूरे प्रदेश भर में डीएम द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। मैं मोहम्मद तारिक गाजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन, बीते दिनों 1 तारीख में जो बरेली में घटना हुई है उसमें यूनुस गद्दी के भाई आदिल गद्दी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस विषय में लेके आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दी है। मैं खुद आज जाकर लखनऊ कमिश्नर के वहाँ जाके ज्ञापन दिया है, हमारी पूरी टीम साथ में थी। उसके साथ साथ मैंने मांग की है कि जल्द से जल्द जो अभियुक्त उसमें हैं, अभी तक जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ अभी तक 1 तारीख से लेकर आज 18 तारीख हो गई है, उसमें सिर्फ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 2 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। खुदा न खास्ता कोई घटना और हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, शासन होगा या प्रशासन होगा? तो मैं इसलिए मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। हमारे समाज के साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए शासन प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि कोई घटनाएं ना होने पाए। अगर इसी तरह से होता रहेगा तो मैं पूरे प्रदेश भर में, पूरे प्रदेश क्या पूरे देश भर में, हमारा ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन, यूथ फेडरेशन, सब कहीं प्रदर्शन करेगा। नहीं होगा तो जंतर मंतर भी जाके बैठेगा कि अपने इंसाफ के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन के प्रदेश मंत्री जनाब यूनुस गद्दी के छोटे भाई मोहम्मद आदिल गद्दी की बीती 1 अक्टूबर को 5 बदमाशों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी, जिस संबंध में बरेली जनपद में अभियोग पंजीकृत कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, परंतु 2 अभियुक्त अभी तक फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज पुलिस कमिश्नर लखनऊ के कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन दिया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संगठन के पदाधिकारियों ने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन दिया। संगठन की यह मांग है फरार अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गद्दी समाज के अत्याचार को रोकने के लिए प्रशासन और शासन को ठोस कदम उठाए, अन्यथा संगठन पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। बरेली में हुए हत्याकांड को लेकर आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया गद्दी समाज यूथ फेडरेशन के और ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के नेतृत्व में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि जल्द से जल्द हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। जिस तरह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गद्दी समाज ने आज ज्ञापन देने का काम किया, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि आज गद्दी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गद्दी समाज ने ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने का काम किया और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। माहिरा की स्पेशल रिपोर्ट।